भोपाल में भी है, जनकपुर में भी है, वहां पर भी कुछ ऐसी भव्य तैयारियां हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का ये मौका है भगवान श्री राम का और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है आज के दिन की, जबकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा के समय 5 लोग ही गर्भगृह में होंगे और गर्भगृह में पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12:05 से 12:55 तक ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा कार्यक्रम चलेगा। दोपहर 12:55 पर पूजा स्थल से प्रधानमंत्री प्रस्थान करेंगे और ये बेहद अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं और क्या होगी पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और वहीं दोपहर 2:10 के आसपास कुबेर टीला के पास दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरी दुनिया राममय है, राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। विदेश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लोगों ने राम किनारे लगाए तो ब्रिटेन में राम सीता की आरती की गई। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला सिडनी में भी, जहां दीपोत्सव मनाया गया। तो ये उत्साह, ये उमंग सिर्फ अयोध्या और भारत वर्ष में नहीं बल्कि भारत वर्ष के बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में जश्न है, उत्सव है और दीपोत्सव है। कहीं पर भगवा ध्वज लहरा रहे हैं, कहीं पर मिठाइयां बांटी जा रही है, प्रातःकाल की आरती वंदन प्रार्थना हो रही है, तो कहीं आसमान आतिशबाजी से रोशन नजर आ रहा है। और ये सब कुछ है अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव से जुड़ा। और ये साफ दिखाती है कि किस तरीके से राम की भक्ति सीमाओं को पार करते हुए विदेशों तक पहुंची हुई है, देश दुनिया तक पहुंची हुई है। अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग भी राम में अपनी आस्था ढूंढते हैं और उसकी ये 3 छवियां आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 3 तस्वीरें हैं। ये अमेरिका की पहली तस्वीर सैन फ्रांसिस्को से, जहां पर पूरी राम भक्ति में तमाम जो राम भक्त हैं वो लीन दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की उनके पूरे परिवार की, संपूर्ण परिवार की पूजा हो रही है। और सिडनी की तीसरी तस्वीर, जहां दिवाली जैसा जश्न है, दिवाली की तरह पूरा जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ अवसर है, ये शुभ मुहूर्त है भगवान श्री राम का। और ऐसा हो भी क्यों ना, तमाम राम भक्तों की आस्था उनके राम से जुड़ी हुई है। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में दीपावली सा माहौल दिखाई दे रहा है। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न का माहौल है और हर कोई रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है। और कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जिससे पता चलता है कि किस तरह से दीपावली अलग अलग नगरों में, हर शहरों में मनाया जा रहा है। फतेहाबाद हरियाणा का है, हल्द्वानी उत्तराखंड का है और इसके अलावा मुंगेर बिहार का वो शहर जहां एक नव उत्सव देखा जा रहा है। दीप से आंगन द्वार सजाए गए हैं, प्रभु राम की अगवानी के लिए आतुर राम भक्त नजर आ रहे हैं। तो देखिए, भगवान राम के स्वागत के लिए दीप जलाए गए हैं और ये कल रात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन रात भर भी ये राम भक्त सोए नहीं है, इंतजार कर रहे हैं और क्षण क्षण का साक्षी बनना चाहते हैं तमाम राम भक्त। और इनका जो वक्त है अब आ चुका है, जो इंतजार है वो खत्म होने ही वाला है कुछ घंटों बाद। मात्र 6 का ये वक्त यहाँ पर बचा हुआ है, जिसके बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और राम कथा पार्क अयोध्या से इस वक्त लाइव है हमारे साथ।